वाराणसी के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां से प्रियंका गांधी की जीत का दावा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां जो पोस्टर चिपकाए उनमें प्रियंका गांधी को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाया गया। जिस तरीके से झांसी की रानी ने अंग्रेजों से मुंह तोड़ लोहा लिया था, उनको भगाया था, हम लोग आज बहन प्रियंका जी को उसी के रूप में दर्शा रहे हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभार दिया गया है जिसमें गोरखपुर भी शामिल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में बीजेपी की हार की दलील देते हुए वहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक रद्द। दिल्ली में आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक फिलहाल टाल दी गई। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के नौरंगिया दोन जंगल में दो होमगार्ड जवान की हत्या कर दी गई। नेशनल हेराल्ड अखबार को सरकारी बिल्डिंग खाली करने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली एजीएल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कुंभ में महामंडलेश्वर प्रखर महाराज के शिविर में समष्टि भंडारे का आयोजन किया गया। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होने पर उसमें आग लग गई और युवक की मौके पर मौत हो गई। नवी मुंबई के वाशी इलाके में एक लॉन से महिला का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। यूपी में चल रही सिपाही भर्ती की परीक्षा की वजह से वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर आने वाली हर गाड़ी पर अभ्यर्थी सवार हो गए। यात्रियों में सीट के लिए मारामारी मच गई। वाराणसी स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी भी की भीड़ बेकाबू हो गई और उसके बाद लोग वहां पर काफी संख्या में मौजूद थे। और वाराणसी में 53 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी जिसमें प्रदेश भर से युवा वहां पहुंचे थे। पब्लिक नहीं चढ़ पा रही है, रिजर्वेशन वाले बाहर में हैं, बाकी सब लोग इन हैं, कोई विदाउट टिकट सब लोग अंदर में हैं।